और ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, सब लोग अपनी अपनी जगह में सब सही हैं। सामने वालों को लगता है कि हम सही हैं, हमको लगता है हम सही हैं। तो अगर आप लोगों के सामने ये जो पूरा मैटर अगर हम रखें तो आप लोग भी किसी किसी को लगेगा कि वो सही हैं या हम सही हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं सूर्य भगवान की रोशनी आ रही है सामने और यहाँ आकर आप लोगों से बातें कर रही हूँ। बात ब्लॉग तो रोज ही जाते हैं, अपना जो सिंपल दिनचर्या चल रही है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं गैप में आई थी, अभी मेरे एग्ज़ाम ऐसे हैं, पहले जैसे पिछली बार मुझे किसी ना किसी का सहारा लेना होता था कि कोई मेरे घर में रुक जाए। हालांकि इस बार ऐसा है कि मैं आ जा रही हूँ, थोड़ा खुद में यहाँ से मैं आ गई हूँ क्योंकि वीडियो शूट ही नहीं हो रहा था, इसलिए क्योंकि मोबाइल में बैटरी 2% थी और मैं सोकर उठी थी, ध्यान नहीं दिया। क्योंकि आज मैंने एक रील शूट किया है जो कि अपलोड हो चुकी है। श्रेया ने बोला था कि मम्मी हमेशा ऐसे बोरिंग सी रील डालते हो, आप थोड़ा अच्छी रील बनाओ, तुम थोड़ा सा आपको गेटअप चेंज करना होगा। मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैंने रील उसके कहने में बनाई और उसी ने अपलोड की, उसी ने स्टोरी भी लगाई। आप लोग अगर इंस्टा पे जुड़े होंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके बाद अभी श्रेया सो रही है खाना खा करके और मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मैं आप लोगों से ये बोल रही थी कि इस बार बहुत अच्छा है कि मुझे यानी कि आना जाना हो जा रहा है, मेरा मैनेजमेंट कर ले रही हूँ। वीडियो भी एक एक दो बार गैप हुआ था और जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं शूट कर लेती हूँ। जो भी है, जो भी चल रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बस यही बोलूँगी, व्यूज़ देखो थोड़ा सा डाउन हो गया है, चलो कोई ना, कभी तो ऐसा होगा क्योंकि अभी पूरे व्यूज़ कोई और ले रहा है, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है यही बोलेंगे तो लोग उनकी लाइफ देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हमारी क्या है, थोड़ा सा हमारा वही चल रहा है और जो हमारी लाइफ में है वही हम बता रहे हैं तो अभी व्यूज़ कहीं और जा रहे हैं तो समझने वाले समझ गए होंगे। और ये बोलूँगी, जैसे कि मुझे कमेंट आया था कि दीदी हम ट्रेन देख देख कर बोर हो गए हैं, तो बहन हम यही बोलेंगे कि हमारी अभी जो लाइफ चल रही है, हम जैसे आ रहे हैं जा रहे हैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। लोगों को ट्रैवलिंग, जो ट्रैवल का ब्लॉग होता है वो काफ़ी पसंद आता है, तब पसंद आता है। देखो मैं बात और कहना चाहती हूँ, जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि ब्लॉग इंटरेस्टिंग होना चाहिए, थोड़ा सा मस्ती भरा होना चाहिए। जैसे कि मैं अकेले आती जाती हूँ तो उसमें मैं अकेले ही, अब देखो क्या, जैसे मैं कोशिश करती हूँ ना कि मैं आप लोगों से वहाँ पर बातें करूँ, जैसे कहीं जा रही हूँ, आना जाना मेरे एक ही जगह होता है, वो भी मैं अपने काम से जाती हूँ। तो जी कहीं आ जा रही हूँ, जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना, जैसे उठाती हूँ ना, तो लोग मेरा मुंह देखने लगते हैं, तो मेरे को ना थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। तो मैं बोलती हूँ ये लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि मैं किसी से बातें कर रही हूँ वीडियो कॉल पर, या फिर मैं ज़्यादा खुद को सुंदर समझ रही हूँ तो खुद की वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसलिए मैं ना वहाँ पर ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ। आप लोगों को तभी मज़ा आएगा जब मेरे साथ यानी दो चार लोग हो या मेरी फैमिली हो मेरे साथ और हम लोग कहीं जा रहे हैं, जैसे स्टेशन में ही खड़े हुए हैं तो खा पी रहे हैं और हमारा लगेज हमारे साथ है, एक दूसरे यानी बच्चों की मस्ती हो गई, हम लोगों की बातें हो गई, वो लोग वो चीज़ें आप लोगों को जैसे कई लोग ब्लॉग में दिखाते हैं वो सब आप लोगों को देखना पसंद है। मेरे साथ तो आप लोग जानते हो कि मैं सिंगल हूँ और मेरा आना जाना मैं खुद ही अकेले कर रही थी, मैं किससे अकेले, जैसा है कैमरा ऑन भी करती तो आप लोगों से ही बातें करती हूँ। और जब कहीं आती जाती हूँ तो मैं ज़्यादा शांत ही रहती हूँ, तो ऐसे ही गूंगे बन के जितना शूट होता है तो मैं कर लेती हूँ और जितना मेरा मन करता है उतना मैं वहाँ पर बातें भी कर लेती हूँ। लोग मेरा मुंह देखने लगते हैं ना तो वो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, इस कारण से मैं नहीं शूट करती हूँ, मुझे ना अजीब ही लगता है, इसलिए मैं शूट नहीं करती। मैं तो सिंगल होती हूँ, कितना मुझे दौड़ भाग करनी पड़ रही है
आप लोग उस कंडीशन को जानो ना, आप अपना, वो मैं समझ रही हूँ क्योंकि आप लोग ब्लॉग देख रहे हो, अपना समय देख रहे हो, एंजॉय करने के लिए देख रहे हो, दुखी तो सारी दुनिया है। हम ज़्यादातर ना हम यही कोशिश करते हैं कि आप लोगों का अच्छे से इंटरटेनमेंट करें, हम अपने दुख में शामिल ना करें, अपना दुख आप लोगों के साथ शेयर ना करें। हम बिल्कुल ना चाहते हैं कि अच्छे अच्छे ही ब्लॉग जाएं। जब ज़्यादा निराश हताश हो जाती हूँ तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और आप लोग ही कहते हो कि सुहाना जो भी मन में है, जो भी है, आप तो यहाँ पर बोल दो, थोड़ा सा दुख हल्का होगा। पर नहीं, जो है वो तो लाइफ में चलता ही रहता है। बहुत मोटी मोटी बात बताती हूँ मैं, सारे पन्ने नहीं खोल के रखती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग, कुछ लोग हो जो मेरे लिए अच्छा सोचते हो, पर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि सारे पन्ने जितना उनका मन किया, जैसे मैंने अगर पन्ने खोल कर भी रख दिए कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी मैं सच बताऊँ तो प्रॉब्लम आ रही हैं, मैं बहुत टेंशन में भी रहती हूँ, बट मैं ये सोचती हूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सारे पन्ने अगर मैंने पूरी किताब खोल के रख दी तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पन्ने अपने मन के मुताबिक पढ़ेंगे और छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। अब मैं अगर इतनी सारी चीज़ें बता रही हूँ तो लोग मेरी परिस्थिति को, मेरी कंडीशन, जो मेरी फीलिंग है, उनको नहीं समझेंगे, मजाक बना करके चले जाएंगे। इसलिए आप लोग जो मेरे अच्छा सोचते हो मेरे बारे में, उनके लिए इतना ही काफ़ी है। मैं इतना ही कह देती हूँ, जो मुझे बताने लायक होता है मैं बता देती हूँ, जितना ज़रूरी समझती हूँ उतना ही बताती हूँ, बाकी चीज़ें मैं नहीं बताना ठीक समझ रही हूँ। और टाइम आएगा, मैं यही कहती हूँ, जब टाइम आएगा तो बता भी सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूं, क्योंकि सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। किसी की बिल्कुल अच्छी चल रही है, क्या मतलब का कि किसी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो, मैं रोने बैठ जाऊं, उन्होंने ब्लॉग मेरा क्लिक किया और मैं रो रही हूं, तो ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बहुत कम ऐसा होता है कि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल अपना बिल्कुल ज़्यादा टूट जाती हूँ जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हाँ मैं दुखी हूँ, मुझसे नहीं सहा जा रहा, अब मैं बहुत हार थक चुकी हूँ। पर जितना हो सके मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ जो चल रही है ना, वही शेयर करती हूँ कि हाँ मैं ये चीज़ कर रही हूँ। लोग कुछ और ही अपनी लाइफ में कर रहे हैं, बट मैं कुछ और कर रही हूँ। शायद मुझे यही सही लगता है कि जो मैं कर रही हूँ मेरे लिए ठीक है, मेरी बच्ची के लिए ठीक है। कई लोगों को बुरा लगता है कि क्या कर रही है, मुझे बहुत सारी टिप्पणी भी की गई थी, है ना। और रही बात जो भी मेरी लाइफ में कोर्ट से लेकर के चल रहा है, तो वो अलग मैटर है, उससे तो मैं परेशान हुई। अब देखो, बोलते हैं ना कि जो होगा देखा जाएगा, चल रहा है ना, वो मेरी लड़ाई है, मैं लड़ रही हूँ, है ना। और वहाँ पर बस अब बोलते हैं ना, अपने खुद के लिए न्याय मांगने के लिए हम वहाँ पर जा रहे हैं। जो चीज़ हमने की नहीं है वो चीज़ वहाँ पर बोला जा रहा है, पर कोई ना, हम यही बोलेंगे अगर हमें और हमारे भगवान में थोड़ी बहुत है शक्ति, तो न्याय जरूर मिलेगा और सत्य के उसमें मिले। हम ये नहीं बोल रहे कि उनके साइड हो या हमारे साइड हो, सत्य के उसमें मिले। और ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, सब लोग अपनी अपनी जगह में सब सही हैं। सामने वालों को लगता है कि हम सही हैं, हमको लगता है हम सही हैं। तो अगर आप लोगों के सामने ये जो पूरा मैटर अगर हम रखें, तो आप लोग भी किसी किसी को लगेगा कि वो सही है या हम सही हैं, तो ये चीज़ वहीं पर सुलह हो तो वही ठीक है, मैं यहाँ पर आकर के खिचड़ी मचाऊं तो वो सही नहीं है। बाकी मैं यही बोलूँगी, अभी मैं ठीक चल रहा है, बस मुझे हिम्मत चाहिए। अच्छे से मैं सोचती हूँ कि खाऊं पीऊँ जब तो मेरा शरीर स्ट्रांग रहेगा। और रही बात ट्रेन देख देख कर बोर हो रहा हो, तो मेरी लाइफ में अभी यही चल रहा है। मैं अभी मेरी जो लाइफ चल रही हूँ भागम भाग वाली चल रही है, दौड़ इधर दौड़ उधर, क्योंकि मेरा अभी एग्ज़ाम का टाइम है, तो यहाँ पर भी समय देना मेरा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो भी जब मेरा रहता है तब मैं जाती हूँ वहाँ पर, तो बस यही रहता है कि मैं 3-3.5 घंटे का सफ़र यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जब आना जाना होता है ना, तो उसमें मैं थक जाती हूँ, मैं भी थकती हूँ, दिमाग भी थक जाता है। तो बस यही है, पर कोई ना, ज़्यादा दिन का नहीं है, कुछ देर का ही है, तो कुछ दिन और ऐसे ही चलेगा, उसके बाद मैं अपने घर में ही रहूँगी। बहुत सारे ऐसे काम करना है मेरे को, और मेरी लाइफ जो भी है थोड़ी ऐसी चलेगी, जैसे भी चलेगी, आप लोग साथ में रहिएगा, यही है। और अब यही आप लोगों को, आप लोगों से ये कहूँगी
अभी मेरे वीडियो ये चैनल पर शॉर्ट वीडियो भी आएंगे, आप लोग वहाँ भी प्यार सपोर्ट बनाए रखें, प्यारी प्यारी कमेंट्स करिए। जो आप लोग के कमेंट्स है ना, मैं सच बताऊँ इतनी अच्छी जड़ी बूटी है, जब अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो ना तो एक जड़ी बूटी का काम करता है। क्या औषधि काम करेगी जो आपके कॉमेंट काम करे थे, हिम्मत सा एक जुनून सा आता है। और उसके बाद जो नेगेटिव जो कमेंट आते हैं, हमेशा पॉजिटिव कमेंट तो आते ही आते हैं, कभी कभी एक दो कमेंट नेगेटिव आ जाते हैं जिसको मेरे को इग्नोर करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं उनको लेकर के चलूँगी ना तो मेरे लिए वो घातक साबित होंगे, इसलिए मैं हटा देती हूँ, मीन्स हटाती नहीं हूँ, वहाँ पर डले रहने देती हूँ, पर अपने आँखें हटा लेती हूँ, वहाँ से नज़रें हटा लेती हूँ कि नहीं मुझे यहाँ नहीं देखना है, बाकी जो अच्छे कॉमेंट हैं उनको भी देखो ना। तो आप लोगों के कॉमेंट सबके रीड कर रही हूँ, और आप लोग जहाँ पर अच्छी अच्छी लाइफ देख रहे हो थोड़ा सा मेरी लाइफ भी देख लो, मैं आप लोगों को ज़्यादा दुखी परेशान नहीं करूँगी, जो भी है नॉर्मल लाइफ चल रही है, आप लोगों को सिर्फ 10 मिनट मांगती हो, बाकी बस आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों को देखना देखो, नहीं देखना मत देखो, बाकी ठीक है, हम अपना ब्लॉग डालेंगे ही डालेंगे। और अभी श्रेया सो रही है और मैं जाऊँगी अभी अपना काम करने के लिए जो किचन में है, बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।